नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करते हैं टॉपिक पे बिना किसी रुकावट के। जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन इसके खत्म होने से पहले ये बहुत से पॉजिटिव मैसेज देने जा रहा है। आइए बात करते हैं उसी एक मैसेज के ऊपर। कोरोना प्रकृति के लिए वरदान के रूप में। प्रकृति हमेशा से ऐसी ही थी, बस हम बदलते रहे। टाइम टाइम पे गवर्नमेंट द्वारा प्रकृति को दुरुस्त करने के लिए खर्चे किए गए, लेकिन हमारी इस फास्ट मूविंग और अफरा तफरी की जिंदगी में शायद हमको कभी ये नहीं सोचने दिया कि प्रकृति कोई इंस्टेंट कॉफी या नूडल की तरह नहीं है, जिसे 2 मिनट में दुरुस्त या सिर्फ खर्च करके ही सही किया जा सकता है। आज यमुना, गंगा, यहाँ तक कि विदेश की नदी जैसे थेम्स भी अपने को 50% तक स्वच्छ कर चुकी है। यही नहीं, आज आपको हॉर्न से ज्यादा चिड़ियों की आवाज सुनाई देती होगी। यही हाल वायु प्रदूषण का भी है, जिसके एयर पॉल्यूशन इंडेक्स पे गिरावट देखी गई है, लेकिन अभी इसे दुरुस्त होने में समय जरूर लगेगा। प्रकृति हमेशा से अपने को दुरुस्त करती रही है, लेकिन हमने उसे मौका नहीं दिया। जिस तरीके से 5 लोगों की लड़ाई में एक इंसान का जीतना थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल है, उसी तरीके से हम लोगों ने भी प्रकृति के साथ हमेशा किया। इस लॉकडाउन में हमेशा की तरह प्रकृति बदल रही है, हमारे ठहराव की जिंदगी ने उसे देखने का मौका दिया है। तो क्या इस लॉकडाउन के बाद आप प्रकृति को इसी तरीके से संभाल पाएंगे? अपना सुझाव कमेंट पे करें। धन्यवाद।